नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले पर 28 वर्ष बाद आई बरी के फैसले से एक ओर जहां सामान्य लोग खुश हैं, वहीं कुछ लोग सीबीआई के विशेष न्यायालय के फैसले को न्याय संगत नहीं माना है। पूर्व विदित है कि कोर्ट ने 32 नामजद आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। देश में कोरोना इफेक्ट का खतरा कम नहीं हो पा रहा है। हाँ, रिकवरी रेट संतोषजनक है। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 62 लाख को पार कर गया है। वहीं मरने वालों की संख्या 1 लाख को पार कर सकती है। चौकस रहने की सलाह दी गई है। इस बीच अनलॉक 5 ने जहां शैक्षिक संस्थानों, छवि गृहों समेत कुछ अन्य पर मेहरबानी की है, वहीं कोरोना गाइडलाइंस के पालन में जनता से सहयोग के साथ सख्ती भी बरती गई है। 15 अक्टूबर से सभी शैक्षिक संस्थानों को खोल दिया गया है। कुछ शर्तों के लिए राज्य सरकार को भी अधिकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले में विपक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश प्रशासन को घेर रखा है। सामूहिक दुष्कर्म के कारण उक्त पीड़िता की इलाज के बाद हुई मौत से बौखलाए लोगों ने चारों दरिंदों को फांसी देने की मांग की है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया से पहले सहयोगी दलों का एकमत अभी भी पार्टियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। एक को मनाते हैं तब तक दूसरा रूठ जा रहा है। सत्ताधारी एनडीए के लिए लोजपा तो राजद के रास्ते भी साफ नहीं है। जदयू के लिए वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। वो भाजपा एवं लोजपा दोनों पर कड़ी नजर रखे हुए है। इस बीच भाजपा नेताओं की टीम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर खटास दूर करना चाहते हैं। मोकामा, बाढ़, पालीगंज, विक्रम और मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए आज से लेकर 8 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया होगी। पहले चरण में पटना के इन 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 28 अक्टूबर को मतदान निर्धारित है। मसौढ़ी और पालीगंज विधानसभा सीट के लिए गाइडलाइंस के मुताबिक सुबह 7 से 4 बजे तक ही मतदान होंगे। इसके लिए 918 मतदान केंद्र रहेंगे। सुरक्षा कारणों से ऐसा किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब 31 अक्टूबर तक पूर्व मध्य रेल द्वारा इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इन ट्रेनों में सभी सीटें आरक्षित हैं। राजद के नेता मानते हैं कि उम्मीदवारों की घोषणा फेज के हिसाब से की जाएगी। दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद का कहना है कि वो चुनावी रेस में नहीं हैं। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज़।